प्रदेश सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन हेतु डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किया गया। कंपनी ने डिजिटल क्रांति के इस युग में गोरखपुर के युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के साधनों के बारे में जागरूकता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन प्रेक्षा गृह के सभागार में किया। जिले में जन सेवा केंद्र इस कंपनी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। कंपनी दिन प्रतिदिन यहाँ के युवाओं को डिजिटल क्रांति के प्रति जागरूक करने के अनेकों प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान जन सेवा केंद्र ऑपरेटरों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं के अतिरिक्त कई बिजनेस टू कस्टमर की सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिन्हें अपने ग्राहकों को प्रदान करके ऑपरेटर अपनी आजीविका ही नहीं अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। कार्यशाला में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कंपनी की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी ने डिजिटल क्रांति के तहत गोरखपुर के युवाओं के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए जिन साधनों को मुहैया कराया है वह बहुत ही सराहनीय है। जिला प्रशासन सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। केंद्र संचालकों को इन सभी सेवाओं का लाभ गोरखपुर की जनता तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि के साथ साथ जनता को भी सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। कार्यशाला में ARTO आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी, जिला विज्ञान सूचना अधिकारी रीता गाड़िया, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और जन सेवा केंद्र संचालक मौजूद रहे। आप अपने मोबाइल को फीड करेंगे और उस पे आप को पहले KYC लेना पड़ेगा। पहले आप एक सर्टिफिकेट लेंगे, एप्लीकेशन में डिटेल्स देते हैं तो इसके आपको फिर वो ओपन हो जाता है एप्लीकेशन। फिर आप उसको भरते हैं, भरने के बाद आप इसको अपलोड करते हैं अपनी साइन के साथ। फिर इसका पेमेंट, फीस पेमेंट करते हैं। फिर ये वेरीफाई होता है कि आप सारे स्टेटस। इसके बाद आप अपनी जो रिसीट है उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। फिर आपको एक टाइम स्लॉट बुक होता है। जो कोविड है, COVID-19 के जो महामारी है, इससे बचाव के लिए अब हमारे टाइम स्लॉट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आपको 3 चरणों में कर दिया गया है, 10 से 12, फिर आधे घंटे का गैप है 12:30 से लेकर के 2:30, और इसके बाद लास्ट में 3 से 5। मतलब ग्रुप में बांट करके जैसे भीड़ इकट्ठा ना होने पाए और टेस्ट प्रोसेस होता है। अब आप देखिए जब ये जो मोबाइल के ऑथेंटिकेशन के बाद आपको जो OTP प्राप्त हुई है, OTP भरने के बाद आपके ऑथेंटिकेशन क्लियर हो जाता है और आपके फॉर्म स्क्रीन पे ये फॉर्म आपका है जो आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, जिसको आप भरते हैं। भरने के बाद फिर आपकी प्रोसीडिंग फीस के लिए होती है। नेक्स्ट, चोटिल होने के चांसेस हैं, आप उससे बचते हैं। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो होता क्या है, 1,000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट, यदि आप मोबाइल से नहीं 9,000 रुपीज ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फिर आप आइए, अगर ओवरलोड आपकी गाड़ी है, आप लोग बहुत ताजुब में होते होंगे कि ओवरलोड व्हीकल्स का जुर्माना गवर्नमेंट ने कितना इसको गंभीरता से लिया है। कभी कभी छोटी सी गाड़ी है उसको भी नहीं मालूम है। प्रेजेंटेशन हो पाया, आपको नई गाड़ी तभी हैंड ओवर कर सकता है। उसके लिए आप अपना पैसा जमा करिए। टू व्हीलर है, उनकी मंशा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा कार्ड यहाँ पे बनाए जाने हैं और आप लोग का पूरा सहयोग आप लोग के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और अभी आयुष्मान भारत के लिए विनय कुमार पांडे जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस ऑफिसर हैं, वो उसका डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह से ये सर्विसेज जारी की जा रही है। पहले पूर्व में BLS और शहीद सहज के द्वारा भी बताया गया था कि वो लोग यहाँ पर आयुष्मान कार्ड्स बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक उसमें रोल है और बेनिफिशियरी को क्या फायदा है। और ये सर ने जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड रांची से शुरू किया था, ये सब मोटिव क्या है। जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता है मेडिकल, उसके लिए योजना लागू की गई है। 2011 की जो आर्थिक जनजाति जनगणना हुई थी उसमें D1 to D7 एक कैटेगरी है, उसमें जो भी परिवार आते थे उनको इससे लाभान्वित किया गया है। ई कार्ड लेकर के बेनिफिशियरी जब किसी हॉस्पिटल्स में जाता है तो उसका हॉस्पिटल जो है उसका इलाज करता है। ये इंडिविजुअली हर एक सदस्य का, अगर एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो 10ों का ये कार्ड बनेगा, जिसमें फोटो होगा, एक स्पेशल बायोमेट्रिक आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं।
वो स्पेशल कार्ड उस सदस्य का होता है, यही आप लोगों को बनाना है। ध्यान से, क्योंकि बहुत गहराई में आपसे संवाद स्थापित करना है, चर्चाएं करनी है। आप देख रहे होंगे कि केंद्रीकृत 60 से ज्यादा योजनाएं हैं, 7,00,000 करोड़ से ज्यादा धनराशि रीडिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर योजनाओं में जाता है, जो कर के रूप में सरकार के पास एकत्रित होती है, वो सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए योजनाओं का लाभ मिले, पारदर्शिता पूर्वक मिले, इसके लिए अनेक विभाग फील्ड में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा राजस्व गांव हैं, 59,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इसी तरह पूरे देश में 2,50,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। एक बहुत बड़ा सपना सालों से चल रहा है, और जिस दिन से मैं नौकरी में आया हूँ, सरकार में काम करने का मौका मिला, उस दिन से हम इस व्यवस्था को सक्रिय बनाने में और हर घर तक पारदर्शिता पूर्वक बिना कोई लीकेज के और सुविधा पूर्वक सुगमता पूर्वक लाभार्थियों को मिल सके, इस व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। पूरा सिस्टम कार्य कर रहा है। व्यक्ति जो नौजवान उसी गांव की भाषा जानता है, जज्बे के साथ है, उम्मीद के साथ है, आगे बढ़ना चाहता है और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अगर वहां खड़ा कर देंगे, उसके लिए अधिकार दे देंगे और उसके बाद उसको विभिन्न विभागों की योजनाओं को समेकित रूप से सामंजस्य से लागू करने के लिए अधिकृत कर देंगे, तो क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये उम्मीद के साथ ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू की गई थी, और जनहित गारंटी अधिनियम में 250 से अधिक सेवाएं आपके माध्यम से लेने के लिए गारंटी एक्ट दिया गया है, लीगल प्राविधान है।